नमस्कार, मैं तापोसी, आप सभी को मेरे किचन में स्वागत है। आज हम एक चिकन चाव बनाएंगे। एक चिकन चाव के लिए हमने दो चाव लिए हैं, इसको चार टुकड़े में कर लिए। अब हम इसको उबाल लेंगे। पानी गर्म हो गया, अब हम चाव को पानी में, गर्म पानी में डालेंगे। इसको 2 मिनट उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। देखिए, सारे चाव इस तरह से खुल जाने पर हम इसको छान लेंगे, एक छन्नी में पानी को निकाल लेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा उबाल आ गया। पानी को अच्छा से गर्म कर लीजिए, उसके बाद चाव को देना है इसमें। अब हम इसको छान लेंगे। पानी को हमने छान लिए और ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी डालना है, चाव को ठंडा कर लेना है। इस तरह से चारों ओर से ठंडा पानी डाल के चाव को हम ठंडा कर लेंगे। एक चिकन चाव बनाने के लिए हमने यहाँ एक अंडे लिए और थोड़ा सा 100 ग्राम चिकन है, इसमें हम नमक और थोड़ा सा हल्दी डाले हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी इसमें मिलाना है। और प्याज है एक कटी हुई, 2-3 लहसुन की कलियाँ कटी हुई, 1/2 इंच अदरक कटी हुई, 1 मिर्च कटी हुई, गाजर है छोटा सा कटी हुई और बीन्स कटी हुई और कैप्सिकम थोड़ा कटी हुई है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सोया सॉस और 2-3-4 चम्मच हमने टमाटर सॉस लिए। और हमने यहाँ चाव मसाला रखे हैं, आप चाहे तो इसको दे सकते हैं, ना चाहे तो ना भी दे सकते हैं। और यहाँ ऑयल है। तो आइए हम एक चिकन चाव बनाते हैं। पैन में 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं। तेल गरम होने पर अंडे को भून लेंगे। पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छा से भूनना है। अच्छा से भूनना है, कच्चा नहीं रखना है अंडे को। अंडा भून गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन देंगे, अदरक भी डालेंगे, प्याज भी डालेंगे।
सभी को थोड़ा भून लेना है। गैस का फ्लेम धीमे रखना है। प्याज 2 मिनट भून लेंगे। प्याज अदरक लहसुन को 2 मिनट भूनने का बाद हम इसमें चिकन को डालेंगे। आप चाहे तो और छोटा पीस कर सकते हैं चिकन का। इन सभी को अच्छा से भूनना है। अब हम इसमें गाजर, कैप्सिकम और बीन्स सभी वेजिटेबल्स डालेंगे। अच्छा से इसको मिलाना है। इसको 2 मिनट अच्छा से मिलाना है। अब हम इसमें नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर सभी डाल देंगे। इसको भी अच्छा से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम हाई करना है। दो मिनट इसको भूनने का बाद हम इसको ढक दें। अब हम इसमें सोया सॉस भी डाल देते हैं। इसको अच्छा से मिलाना है। अब गैस को हम धीमी करके इसको 4 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, क्योंकि चिकन और वेजिटेबल्स अच्छी तरह से पक जाए। 4 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। देखिए सभी वेजिटेबल्स और चिकन भी नरम हो गया। देखिए अब हम इसमें टमाटर सॉस डालेंगे। हमने यहाँ 4 चम्मच टमाटर सॉस डाले। आप अपना ज़रूरत के हिसाब से डालिए। मैं 2 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच डालना है। गैस का फ्लेम बढ़ा देंगे। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके चाव को डालेंगे। थोड़ा चाव डालेंगे और अच्छा से मिलाएंगे। गैस का फ्लेम अब
देखिए हमने चाव को अच्छा से मिलाया। अब हम एक चम्मच चाव मसाला डाल दिया इसमें और एक चम्मच पानी भी डालना है और इसको भी अच्छा से मिलाना है। इसी तरह से अच्छा से मिलाइए सारे चाव को। नीचे से ऊपर तक अच्छा से मिलाना है इसको। अब गैस को हाई फ्लेम करके अच्छा से मिलाना है। दो मिनट चाव को अच्छा से मिलाने के बाद इसको ऊपर से अंडे फ्राई दे देना है। हमने अंडे भूंज के रखे थे उसी को अब हम डाल दिए। हमारा चिकन एग फ्राई तैयार है। देखिए हमारा चिकन चाव तैयार है, चिकन एग चाव। इसमें हम ऊपर से थोड़ा खीरा कटी हुई दे रहे हैं। प्याज और खीरा आप भी दे सकते हैं अगर आपको पसंद है। इस तरह से आप भी बनाइए एक चिकन चाव और खाइए। खाकर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें और हमें कमेंट करें आपको इसे बना के खाने में कैसा लगा। हमें कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें।